हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुनमुन दत्ता इज़ गेटिंग ट्रोल्ड फॉर वियरिंग हिजाब। लेट्स टॉक अबाउट दैट। रिसेंटली मुनमुन दत्ता के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 15 इयर्स कंप्लीट हुए एंड इस दिन के शूट के बाद मुनमुन दत्ता अपनी मॉम के साथ दुबई घूमने के लिए गई। दुबई जाने के बाद मुनमुन को बुरी तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। रीज़न ये नहीं था कि मुनमुन दुबई गई थी, रीज़न ये था कि मुनमुन ने दुबई जाके एक मस्जिद में हिजाब पहना था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मुनमुन ने अपने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने हिजाब पहनी हुई पिक्चर्स को शेयर किया एंड उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बुरी तरीके से बाहर आया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मुनमुन ने अपने पोस्ट के कैप्शन में क्या लिखा। शेख ज़ियाद ग्रैंड मॉस्क्यू अबू धाबी, ह्यूज थैंक्स टू माई वंडरफुल गाइड मिस्टर मोहम्मद फॉर लिटरली ड्रैगिंग मी फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर बिकॉज ही न्यू आई वॉन्टेड सम गुड पिक्चर्स एंड ही न्यू दोज एग्जैक्ट स्पॉट्स एंड दीज पिक्चर्स कम आउट ग्रेट। बिफोर एनी वन आस्क और अज्यूम्स एनीथिंग सिली, आई एम अ प्राउड हिंदू एंड इफ आई एम विजिटिंग अनदर कंट्री एंड कल्चर आई वुड रिस्पेक्ट दैट इन सम वे आई वुड एक्सपेक्ट एनी वन एल्स फ्रॉम अनदर रिलीजन रिस्पेक्ट माई रिलीजन एंड बिलीव्स। सो गाइज, दिस इज़ द कैप्शन जो कि मुनमुन ने अपने पोस्ट के नीचे लिखा और इस कैप्शन को रीड करने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि लोगों का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था, क्योंकि मुनमुन ने कुछ लिखा है, कैप्शन ही कुछ इस तरीके का लिखा है। अगर मुनमुन दुबई गई एंड उसने मस्जिद जाके हिजाब पहना और पिक्चर्स अपलोड की, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो कैप्शन मुनमुन ने लिखा उसमें थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि उसे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। एंड आफ्टर रीडिंग द कैप्शन मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि मुनमुन को इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ पिक्चर्स के लिए मस्जिद गई और उसने हिजाब पहना, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। उसे इस तरीके से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। और एंड पे ही लिख देना कि आई एम ए प्राउड हिंदू, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है उन सब चीज़ों के पीछे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले लोगों का रिएक्शन देख लेते हैं कि लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। फर्स्ट यूज़र ने लिखा, हिंदू टेंपल की कमी है क्या जो मस्जिद पे जाती हो। सेकंड यूज़र ने लिखा, हिंदू हो मंदिर जाया करो मस्जिद नहीं। नेक्स्ट यूज़र्स ने लिखा, आप लोग ही जाते रहना मस्जिद, वो कभी नहीं आएंगे। नो ऑफेंस बट नीदर ऑफ मुस्लिम विल वियर भगवा टू विजिट द टेंपल और दुर्गा पूजा। ये होती है मस्जिद हमारे इंडिया में, तो मंदिरों को मस्जिद बनाया हुआ है। नॉट एक्सपेक्टेड, बाय बाय विद बॉयकॉट। नेक्स्ट यूज़र ने लिखा, आज पता चला मुझे ये तो मुस्लिम है, फ़ोटोशूट के लिए कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। आप बंगाली होकर मुस्लिम मंदिर में जाती हो क्यों, हिंदू मंदिर की कमी हो गई है क्या, हिंदू हो तो बस हिंदू टेंपल में ही जाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरीके से अपना गुस्सा निकाला है मुनमुन पे। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि कोई हिंदू रिलीजन का है और वो मस्जिद चला गया। पॉइंट ये है कि मुनमुन ने जिस तरीके का रीज़न दिया अपने कैप्शन में कि उसे अच्छी पिक्चर चाहिए थी, जिसकी वजह से वो मस्जिद गई, उसने हिजाब पहना और वो अपने गाइड को थैंक्स कर रही है अपने कैप्शन में कि आप मुझे अच्छी जगह पर लेके गए क्योंकि मुझे अच्छी पिक्चर चाहिए थी। सो दिस इज़ नॉट द राइट रीज़न। यहाँ पर आप हिंदू के और मुस्लिम के दोनों के ही सेंटिमेंट्स को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हो, क्योंकि रिलीजियस प्लेस चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या किसी भी और रिलीजन का हो, वो कोई फ़ोटोशूट स्पॉट नहीं हो सकता। आप उसको इस तरीके एक फ़ोटोशूट स्पॉट की तरह यूज़ नहीं कर सकते कि आपको अच्छी पिक्चर चाहिए तो आप कभी अच्छे मस्जिद चले गए, अच्छे टेंपल चले गए, ऐसा नहीं है। मुनमुन अपनी मॉम के साथ दुबई गई थी और वहाँ पे मुनमुन ने मस्जिद जाने से पहले भी 3-4 स्पॉट्स पे वो गई थी, लेकिन वो सभी स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट थे, जिसकी वजह से किसी को भी गुस्सा नहीं आया और किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज़ वो टूरिस्ट स्पॉट है, हर कोई जाता है एंड मुनमुन भी गई। लेकिन ये जो मस्जिद पे जाके और इस तरीके का रीज़न देना कि मुझे अच्छी पिक्चर चाहिए थी दैट्स वाई मैं वहाँ गई, ये रीज़न गलत था। और एंड पे लिख देना कि आई एम अ प्राउड हिंदू, तो मुझे कोई कुछ ना बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग अगर पोस्ट देख रहे हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वो हर चीज़ को नोटिस करेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो हमेशा वो उस चीज़ को ज़रूर बोलेंगे, और अगर कुछ अच्छा होगा तो वो हमेशा आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। एंड गाइज, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मुनमुन के साथ ट्रोलिंग हो रही है, बल्कि इससे पहले भी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मुनमुन के साथ किसी रिलीजियस प्लेस को लेकर हो रही है। अदरवाइज इससे पहले मुनमुन के साथ बॉडी शेमिंग की जाती थी एंड मुनमुन ने एंड पे जस्टिफाई ये भी किया कि यू नो, अगर वो किसी कंट्री में जा रही है तो वहाँ के कल्चर्स को, रिचुअल्स को ज़रूर फॉलो करेगी, और वो ये चाहती है कि अगर लोग उसकी कंट्री में आ रहे हैं तो उसके वहाँ के भी यू नो
कल्चर को फॉलो करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे बात ये है कि मुनमुन ने रिस्पेक्ट तो किया लेकिन उसका जस्टिफिकेशन अच्छा नहीं दिया। एंड अगर हम इस चीज़ का सेकंड साइड देखें तो उससे ये पता चलता है कि हर किसी के पास राइट है कि वो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है, बट पॉइंट इसके आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, और जो कि लोगों को बहुत बुरा लगा। एंड गाइज, आप लोग इस बात पे अपने ओपिनियन दें कि मुनमुन ने जो अपनी मस्जिद की पिक्चर शेयर की थी हिजाब पहन के, एंड उसके बाद वो जो कैप्शन में मुनमुन ने एक्सप्लेनेशन दिया, उस पर आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल द रोस्टर्स रूम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशंस मिलें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।